Dear students, today we are going to discuss the second unit, which is kinematics. Kinematics. What is kinematics? Actually, kinematics is the branch of mechanics in which we study about the motion. Material objects, motion of objects. Without taking the cause of motion. Kinematics is the branch of mechanics in which we study about the motion of objects without taking the cause of motion. यानी हम इसमें motion की study करेंगे. अब ये dynamics होता, तो dynamics भी branch of mechanics है, जिसमें हम motion की study करते हैं, but including the cause of motion. उसमें cause of motion, और आपको पता है cause of motion क्या होता है, force. तो इसमें हम force की study नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हमारा focus motion पे है. इसमें सबसे पहले हम आते हैं rest. What is rest? What is the state of rest? If the position of an object do not change with the respect to time. If the position of an object doesn't change with respect to time, then it is said to be in a state of rest. State of मीनिंग इसका ये है कि अगर किसी बॉडी का पोजीशन टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होता, सपोज कर लीजिए कि इस एक्सिस पे हमने टाइम प्लॉट किया हुआ है और इस एक्सिस पे पोजीशन लिया, दिस इज पोजीशन. अगर किसी स्टेशन पे कोई बस खड़ी हुई है, वो 10 बजे की खड़ी है, 11 बजे भी खड़ी है, 12 बजे भी खड़ी है, इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो पोजीशन है, कोई पर्टिकुलर पोजीशन होगा. मान लीजिए कि हम ओरिजिन के रेस्पेक्ट में एज्यूम कर रहे हैं कि वो 10 किलोमीटर पे है, तो वो 10 किलोमीटर पे है तो वो एक घंटे के बाद भी 10 किलोमीटर पे रहे. ये डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, ये पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, टाइम तो चेंज हो रहा है. इसको हम कहेंगे रेस्ट. मतलब ये हुआ कि द पोजीशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट डू नॉट चेंज doesn't change with respect to its surrounding as well as with respect to time, then it is said to be in a state of rest. But if its position changes with respect to time, you may see this is time and this is position.
दिस इज पोजीशन. इफ द पोजीशन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन इट इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ मोशन. व्हाई इट इज इन मोशन यू मे सी. At 1 second its position is this. At second its position is this. Means at every moment its position is changing. At every moment of time its position is changing. Means this is in state of motion. This is in state of motion. So this is rest and this is motion. Now you know rest and motion are relative terms. Rest and motion both are relative terms. What is the meaning of relative terms? Rest and motion are relative terms. Means if an object is in a state of rest, then it may be in a state of motion with respect to some another observer. Also if an object is in a state of motion, then it may be in rest with respect to some other observer. हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे सपोज कीजिए कि दो पर्सन हैं, ए बी, दोनों किसी बस में जा रहे हैं और दोनों बैठे हुए हैं. A is in rest with respect to B and B is in rest with respect to A. ये बस मूव कर रही है, फिर भी ये एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मोशन में. लेकिन अगर बस से किसी A को उतार दिया जाए, अब इससे हम पूछें कि इसके बारे में बताओ, तो ये बताएगा कि A is in motion with respect to. यानी यही ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है यानी बस में है, लेकिन इसमें से एक ऑब्जर्वर बाहर आ गया. या सपोज कर लीजिए कि किसी तीसरे ऑब्जर्वर से इनके बारे में पूछे, ये एक दूसरे को रेस्ट में कह रहा है लेकिन सी इनको मोशन में कह रहा है. मीन्स ऑब्जेक्ट्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर मे बी इन स्टेट ऑफ मोशन विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जर्वर. एंड ऑब्जेक्ट इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर मे बी इन स्टेट ऑफ मोशन मे बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जर्वर. यानी रेस्ट एंड मोशन बोथ आर रिलेटिव टर्म्स. कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है किसी एक ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, तो ये मोशन में हो सकता है किसी दूसरे ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट. इसको समझने के लिए हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस स्टडी करते हैं. फ्रेम ऑफ रेफरेंस, व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेम ऑफ रेफरेंस? अ कोऑर्डिनेट सिस्टम हैविंग क्लॉक विद इट इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस. अ कोऑर्डिनेट सिस्टम हैविंग क्लॉक विद इट with respect to which an observer can describe the position, velocity and acceleration of an object is called frame of reference. yani agar koi coordinate system hai aur usme clock bhi hai to usko hum frame of reference keh sakte. इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में यह ऑब्जर्वर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर सकता है, डिस्क्राइब कर सकता है, बता सकता है. अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरह के होते हैं. एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एंड सेकेंड वन इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस.
फ्रेम ऑफ